और आज के दिन हमने अपने गांव में खूब इंजॉय किया। और यहाँ का पानी ऐसा चुस्त है कि जितना भी आप यहाँ पे चलें आपको सुस्ती नहीं होगी और आप जो है ना चुस्त रहेंगे यहाँ पे। और अंधेरा होने से पहले हम अपने घर को रवाना हो रहे हैं और आज हम बनाने वाले हैं बीफ कौरमा, जो यहाँ पर बनाया जाता है घर के मसालों से और बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पे लोग अक्सर जो है ना घरों में बीफ कौरमा बनाते हैं घर के मसालों से। आज हम वो बनाने वाले हैं और आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साथ में जा रहा है नीचे सी पैक रोड और ये बुलंद पहाड़ और ये खूबसूरती बहुत। और ये बुलंद पहाड़, ये पहाड़ों वाला इलाका है, मानसेरा का बहुत ही खूबसूरत इलाका है। और शाम का टाइम है, मगरिब होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं शेफ जिमल और आज हम बनाएंगे बीफ कौरमा। इसके लिए ये चीज़ें दरकार है, दालचीनी, लौंग, इलायची, दही हाफ के जी, ब्राउन प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। और सबसे पहले इसका हम जो है ना पेस्ट बनाएंगे हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये पेस्ट बन चुका है, अब हम फुल रेसिपी बनाना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसके साथ जो है ना अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और इसके साथ ये ग्रीन चिली पेस्ट। अब इसको अच्छे तरीके से ब्राउन करेंगे। दालचीनी ऐड करेंगे, इसके बाद ऐड कर देंगे इलायची 8 दाने, इसके बाद ऐड कर देंगे लौंग के 10 दाने, दही ऐड करेंगे 1/2 kg, जीरा ऐड करेंगे 1 teaspoon, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 teaspoon, लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 1 teaspoon, हल्दी पाउडर 1/2 teaspoon, नमक ऐड करेंगे 1 teaspoon, इसके बाद इसमें ऐड करेंगे ब्राउन प्याज, गोश्त ऐड करेंगे 1.5 kg, अब इसको 10-15 मिनट के लिए इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। और ये तकरीबन जो है ना बन चुका है। अब ये बीफ कौरमा बन चुका है और आपको इसकी फाइनल लुक चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कौरमा बन चुका है। और सब दोस्तों से गुजारिश है चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहे।